अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ सीरीज़ ऑफ वीडियोस। आज की जो सीरीज़ होगी भिवंडी में, हम लोग आज और भिवंडी में हम लोग मोनू भाई के साथ में हैं। आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हमारे मोनू भाई के। लास्ट ईयर जो इनका बकरा था बुलेट राजा, आई थिंक द मैक्सिमम व्यूज़ केम फ्रॉम दैट वीडियो, आपको याद होगा। मोनू भाई से हम लोग मुलाकात करते, एक न्यू कॉन्सेप्ट लाए वो गोट फार्मिंग में और एक नई जगह पर शुरुआत की है। सो आइए मोनू भाई से मिलते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप मोनू भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सो मोनू भाई, बहुत छोटे सी एक जगह से आप आज ये बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं। सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कैसा लग रहा है आपको भाई? माशाल्लाह, बड़ा करने में अच्छा भी है और अल्लाह तरक्की देता है किसी के ज़रिए से, बस धीरे धीरे आगे बढ़े। मेहनत भी काफ़ी हो गई है? मेहनत तो देखो, बिना मेहनत के तो इंसान आगे बढ़ता नहीं है, मेहनत करना तो अपना काम ही है जी। कितने साल का एक्सपीरियंस रहा आपको वहाँ पुरानी जगह पे? पुरानी जगह में कम से कम मैं 4 साल का एक्सपीरियंस हुआ था, और उससे पहले भी मैं छोटी जगह पे था जी। तो वहाँ से कुल मिला के अभी ये 8वें साल का एक्सपीरियंस है मेरा। और भिवंडी के बिल्कुल शहर के बीचों बीच ऐसी जगह मिलना ही पहली बात इम्पॉसिबल है। ये बहुत बड़ी ग्रीन एरिया एक मिला आपको, बहुत अच्छी जगह है। इसमें इंशाल्लाह हम लोग की कोशिश यही है कि बड़े से बड़ा कुछ नई चीज़ करें इसके अंदर। सही है। और आप एक न्यू कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, लोग पलाई पे बकरे दे रहे हैं आज 2,000-2,500 अंडुल का, 3,000-3,500 बहुत कॉमन बात है। आपने एक नई बात बताई कि आप बकरे सेमी भराई पे रख रहे हैं। सेमी भराई पे, तो थोड़ा सा वो समझाएंगे जैसे वीडियो आगे जाएगा, है ना। अभी थोड़ा एक वॉक कर लेते हैं और लोगों को ये पूरा जो एम्बियंस है, जो पूरा एरिया, वो हम दिखाएंगे। और कैरी ऐसे गिर रही है ऊपर से, वाह कितने झाड़ होंगे कैरी के। कैरी के लगभग 200 के करीब झाड़ है। 200 के करीब झाड़ भिवंडी सिटी के बीचों बीच। ये पूरा एरिया हमारे अंडर में है ना? पूरा 7.5 एकड़ की जगह में। 7.5 एकड़, दैट्स द एरिया ऑफ दिस लैंड दोस्तों। और पूरे आम के झाड़ है इसके अंदर, जामुन है, ग्रेजिंग के लिए अच्छी जगह है बहुत। ये पूरी पैडी फील्ड आप देख सकते हैं, ये सब घास ग्रेजिंग के लिए है जी। आइए आगे चलते हैं। सो मोनू भाई, एंट्री कर रहे हैं हम लोग ये फार्म की माशाल्लाह। और ये पूरा बिल्डअप एरिया है, शेड जिसे कहते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी दे देते हैं शेड का हम लोग। माशाल्लाह बड़े बड़े शेड बनाए आपने, मतलब केजेस। ये सब बकरियों के लिए। और ये पीछे का पूरा अंडुल बकरों के लिए ना? ये सब अंडुल बकरे के लिए। तो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है सेमी भराई का, थोड़ा बताएंगे आप लोगों को कैसे वर्क करता है सेमी भराई का कॉन्सेप्ट? ऐसा अपना कि जैसे बकरा सेल्फ फीडिंग पे दिन भर खाता है जी, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से खाएगा। और फिर जब वो जो भी खुराक उठाता है, या 1 किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, जो भी उठाता है, अगर उसकी पेट में कमी दिखती है अपने को कि ये जानवर कम उठा रहा है दाना, तो फिर वो बकरे को डायरेक्ट हम लोग ने सेमी भराई पे स्टार्ट कर देते हैं। और अपना जो पलाई का मेन कॉन्सेप्ट है, तो वो डायरेक्टली वही रहेगा। दिन भर बकरा मुंह से खाएगा पत्ती दाने वगैरह, और रात में फिर अपन उसको जो भराई करना है वो अपन उसकी भराई करेंगे एक टाइम। अच्छा, भराई में क्या क्या देंगे आप? भराई में अभी उस देखो, मक्का है, गेहूँ है, और अपने पास अभी फ़िलहाल उड़द है। और उड़द के अंदर अपन जो फल्ली की जो खरी आती है वो चीज़ मिला के दे रहे, ताकि वो पेट को ठंडा करे। ठीक है, तो ये आप सूखे फॉर्म में देते हो, गीले फॉर्म में देते हो? ये गीले में, गीले में देते हो, मतलब ग्राइंडेड है? हाँ, ये गर्मी है, गर्मी में क्या है, बकरों को जितना पानी जाएगा ना पेट में उतना अच्छा है। अच्छा, और आप सेमी भराई के बकरों के लिए कितना पैसा चार्ज कर रहे हो? अभी हम लोग ने नया लाया करके इसका चार्ज कम है, 3,000 रुपये हम लोग इसका चार्ज कर रहे हैं। 3,000 में आप सेमी भराई दे रहे हो? अच्छा, देखो बनाने वाली जात तो अल्लाह की है, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऑन एवरेज आपको क्या उम्मीद है सेमी भराई पे हमारा बकरा वेट गेन करेगा? देखो, अभी नॉर्मल जो खस्सी का वेट गेन है कि 6 किलो करता है सेमी भराई पे। सेमी भराई पे खस्सी तो आराम से 6 किलो के ऊपर ही जाता है, लेकिन हम लोग कम से कम पकड़ते हैं। और लेकिन अपना भी टारगेट वही रहेगा, 5 से 6 किलो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी, उतना डालने की बकरे को। और अंडुल? अंडुल की 5 से 6 किलो, और खस्सी तो उसके ऊपर ही जाएगा। अंडुल का टारगेट ये रहेगा कि 5 से 6 किलो महीना वेट गेन करे ही करे जी। ठीक है, और कुछ है जो बकरे अभी सेमी भराई पे हम दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं ना, है 2-3 बकरे अपने पास है। और काफ़ी अच्छा एम्बियंस से आप बकरे बहुत खुश रहते हैं। 3,000 रुपये सेमी भराई के ले रहे हो, नॉर्मल पलाई का क्या चार्ज है? नॉर्मल पलाई का अपने इधर 2,000 रुपये चार्ज है।
2000। हाँ। और अंडोलो खस्सी हो? अंडोलो खस्सी कुछ नहीं। बहुत सही है ना। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे एरिया है, बहुत सारे शेड है, बहुत सारे। तो भिवंडी सिटी के अंदर ही है। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है कि लोग बकरे जमा करना स्टार्ट कर रहे हैं आगे बेचने के लिए। अगर किसी को अपने 40-50 बकरे रखवाने तो क्या जगह है हमारे पास? बिल्कुल, जगह तो बहुत है अपने पास। उधर पे कम से कम 65 खिल्ले की जगह, यानी जो 65 भैंसे रहती है तो उनका पूरा तबेला अपना खाली है। अगर किसी को ऐसा जमा करने के लिए रहेगा तो कॉन्टेक्ट करे, जगह दिखा देंगे, जो भी रहेगा बता देंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं उसमें। ठीक है, बहुत अच्छे। तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिए। आइए थोड़ा वो सेमी भराई के बकरे देखते हैं। वाह, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है इसकी हेयर स्टाइल, माशाल्लाह। तो ये बकरा हमारे पास सेमी भराई पे, सेमी भराई पे। और ये बकरा अब बिक चुका है, बिक चुका है, क्योंकि इसका वीडियो हमने बनाया था, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गेन किया। क्या वेट पे है अभी ये? अब ये 90 पार है। अच्छा, जब आपके पास आया था सेमी पे तो क्या वजन पे लिए थे ये बकरा? लगभग था 70 किलो के आसपास में था। और इसको ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है सेमी के लिए, 3 महीने के करीब हो रहा है इसको। 3 महीने, 3.5 महीने, मतलब अच्छा वेट गेन दिया इसने। सही। आइए दूसरा बकरा भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये बकरा बिक चुका है, तो इसके लिए कॉन्टैक्ट ना करें, बहुत नायाब चीज़ है। दूसरा बकरा देखते हैं। सो दोस्तों ये हमारा बकरा बुलेट राजा, जिसको सब लोग जानते हैं बेसिकली। ये भी सेमी भराई पे ही है और ये भी बिका हुआ है, तो ये भी अच्छा ही वेट गेन कर रहा है वैसे तो। नहीं, ये चालू इसका और इंशाल्लाह बकरी तक में अच्छा इसका वेट गेन जाएगा। बहुत ही नायाब बकरा है। जो तो लास्ट टाइम हमने इसका वीडियो बनाया था मोनू भाई के साथ में, बकरा चेक करें आप लोग। पंजाबी में काफ़ी कम बकरे आते हैं मोनू भाई ऐसे। बिल्कुल। ये बकरा आपने कब खरीदे थे? ये बकरा मेरे को भी खरीद के 2 साल के ऊपर हो गया। तो आप जब ही लाए थे इसको खरीद के, तो क्या वेट पे था ये? ये लगभग 60-65 किलो था। अभी ये क्या वजन पे? अभी ये लगभग आएगा 110 के ऊपर ही आएगा, 110-120। बहुत नायाब है। दरअसल इसकी ब्रीडिंग जो है ना थोड़ा ज़्यादा ली है। अच्छा, इसका ब्रीड है आपके पास देखने को? एक बकरा पुन ने सेल के लिए निकाले है जी, जो इसका पहली ब्रीड लाइन में था, और अभी बाकी तो बच्चे अपन ने रोके इसके ब्रीडिंग कराने। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। मैं थोड़ा सा और एम्बियंस दिखा देता हूँ, छोड़ दीजिए इसको। ये पूरा एरिया फार्म के एम्बियंस में ही आएगा। और जो पीछे का शेड है वो भी आपका ही है? हाँ, ये वाला पीछे वाला, ये पूरा है ना। तो किसी को भी अगर बल्क में भी बकरे रखने हैं भिवंडी सिटी के अंदर, तो मोनू भाई से कॉन्टैक्ट करें। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोनू भाई एक बार आपका नंबर बोल भी दो। 8087-848138। ये मोनू भाई का नंबर है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए इंशाल्लाह फॉर मोर डिटेल्स। सो मोनू भाई, अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में अपने एक पंजाबी बकरा जो बुलेट राजा का बच्चा है और एक पतीरा बकरा। तो अभी बेचने वाले बकरों पर हम ध्यान देंगे। टोटल कितने बकरे हैं आपके यहाँ बेचने वाले? सेल के लिए बड़े बकरे में है अपने पास लगभग 10 के करीब है। तो आइए और वीडियो की शुरुआत करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।